हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आप सेल्फ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। नाउ दिस विल बी अ वीडियो फॉर पीपल हु आर बिगिनिंग प्रिपरेशन, हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन। उनके लिए आई विल गिव बेसिक चार पाँच चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिनसे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सो बिफोर यू बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का, एक्चुअली नॉट ग्रुप, चैनल चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे द हिंदू के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शेयर कर रहा हूँ। सो इफ़ यू वांट दैट एंड वीडियोस या बाकी जो भी चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ उनके अपडेट्स, तो आपको वो यहाँ इस चैनल में मिल जाएंगे। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डज इट वर्क, कि क्या आप सेल्फ प्रिपरेशन से सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? सो द आंसर इज येस, यू कैन। यू कैन क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम जस्ट बाय प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। इट विल नॉट बी इजी, बट यू कैन, मतलब करा जा सकता है। दिक्कत होगी, मेहनत होगी, टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। क्योंकि ये आई थिंक एक बहुत ही कॉमन सा मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि कोचिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड बिना कोचिंग के नहीं हो सकता। तो नेचुरली अगला सवाल बनता है कि डू यू नीड कोचिंग? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है नो, यू डोंट नीड कोचिंग। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी, कि इसके बिना हो ही नहीं सकता, बट इट कैन हेल्प। ऐसा नहीं है कि भाई अब कोचिंग सिर्फ जीरो इनपुट मिलेगा आपको, यू विल गेन सम थिंग्स आउट ऑफ इट, बट ये मत सोच के चलना कभी कि भाई बिना कोचिंग के तो हो ही नहीं सकता। सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट कोचिंग कैन हेल्प, बट इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब ज़रूरत नहीं है कि भाई करनी ही करनी है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड नाउ लेट्स कम टू द टू डू लिस्ट, कि जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। नंबर वन, सबसे पहली चीज़, आपको बनानी है अपनी एक रिसोर्स लिस्ट। रिसोर्स लिस्ट कैसे बनाओगे? स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन कहाँ से मिला? सिलेबस। तो फॉर दिस नंबर वन टू डू लिस्ट, आपको सबसे पहले जाना है, सिलेबस उठाना है। एंड सिलेबस में आपको देखिएगा कि ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं, तो इन मेजर सब्जेक्ट्स के लिए कहाँ से आप तैयारी करोगे? कि क्या इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या आप रमेश सिंह पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या आप नितिन सिंघानिया पढ़ोगे, हिस्ट्री के लिए क्या आप बिपिन चंद्रा पढ़ोगे? कौन सी किताबें आप पढ़ने वाले हो, या कौन से कोर्सेज या कौन सी वीडियोस आप क्या देखने वाले हो, कहाँ से देखने वाले हो, ये एक आपको रिसोर्स लिस्ट बनानी है। स्टैटिक पोर्शन की मैंने बोली है यहाँ पे, स्टैटिक पोर्शन कहाँ से मिला है हमें? स्टैटिक पोर्शन हमें मिला है सिलेबस से। सो दिस इज व्हाट यू मस्ट डू, दैट बिल्ड अ रिसोर्स लिस्ट, कि हर सब्जेक्ट के लिए 1 to 2 सोर्सेज आपको शॉर्ट लिस्ट करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग। ये रिसोर्सेज आप कहाँ से ढूंढोगे? स्टैटिक पोर्शन से, सिलेबस से हमें ये तो मिल गया कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, बट ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी? तो मेरी जो लिस्ट थी, मैंने अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर करी हुई है। उसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्री फेड लिस्ट्स ना लें, यू गो फॉर वट वर्क्स फॉर यू। फिगर आउट कि आपको कौन सी लिस्ट बनानी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए। हाउ? टॉपर्स ब्लॉग्स, कि प्रीवियस ईयर टॉपर्स के रिसोर्सेज वो लोग काफ़ी बार शेयर करते हैं, आप वहाँ जाइए, उन्हें पढ़िए एंड वहाँ से अपना इमेज, यू नो, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पर इस वीडियो में किताबें दे भी सकता था, बट इफ़ आई जस्ट फीड इट टू यू, देन उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। जब आप खुद जाके उसको ढूंढोगे, जब आप खुद उसमें जाओगे, सो नंबर वन थिंग यू विल रियलाइज ऑल्सो इज कि यू आर कमिटेड टू दिस, यू वॉन्ट टू डू दिस। अगर आप किताबें ही ढूंढने नहीं जा रहे हो कहीं, तो फिर मतलब ठीक है, आपकी तैयारी थोड़ी ढीली चल रही है, राइट? सो नंबर टू, रिसोर्स लिस्ट में आपको बनानी है करंट अफेयर्स की रिसोर्स लिस्ट, कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से करने वाले हो। इस पर ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, सो आई हैव टॉक्ड अबाउट थ्री वेज टू डू करंट अफेयर्स। थ्री वेज टू डू, सबसे पहला होता है मेकिंग योर ओन नोट्स, देन सेकेंड इज आप मंथली मैगजीन से कर रहे हो, एंड थर्ड इज आप कंपाइलेशन से कर रहे हो। सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ दीज थ्री एंड स्टिक टू दैट, बट यू नीड
टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन कि कौन सा चूज कर रहे हो आप, ये आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो. एंड उसके बाद व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू हैव टू फॉर्म ओपिनियंस बैक्ड बाय फैक्ट्स कि आपको ट्रेंड्स देखने हैं. ट्रेंड्स कैसे दिखाई देंगे, जब आपने काफी न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा. पहले महीने में ट्रेंड नहीं दिखते, ट्रेंड दूसरे तीसरे चौथे महीने में जाके दिखते हैं. क्यों? क्योंकि तब तक आपके पास इतना डेटा हो गया होता है कि आपको दिख रहा है कि हाँ जी ये चीज पहले भी ऐसी हुई थी, उसके बाद फिर ये होता है, फिर ये होगा. लाइक फॉर इंस्टेंस, आई थिंक एक यूपी का जो गैंगस्टर था पिछले साल लॉकडाउन के दौरान, जो भाग के खड़ा हुआ था इधर उधर, एंड ही हैड किल्ड अ कपल ऑफ पुलिस मैन एज वेल. सो व्हेन यूपी पुलिस अप्रिहेंड दैट गैंगस्टर, सो देर वर पीपल ऑन सोशल मीडिया हु सेड कि हाँ अब इनका एनकाउंटर हो जाएगा. और उनका एनकाउंटर हो गया. मतलब ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि उन्होंने भागने की कोशिश करी जिस वजह से उनको मतलब उनका एनकाउंटर हो गया. सो दिस इज अ वेरी हॉरिबल थिंग टू लाफ एट दो, बट द आइडिया इज कि आपको यहाँ ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट? कि आपने देखा कि हाँ जी पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं एंड नाउ दिस इज व्हाट माइट हैपन. सो दैट्स हाउ यू सी ट्रेंड्स. ट्रेंड्स डोंट बिकम अपेरेंट बाय इन द फर्स्ट रीडिंग, दे हैपन इन द सेकेंड थर्ड फोर्थ रीडिंग. तो यहाँ पे इन करंट अफेयर्स व्हाट यू नीड टू डू इज चूज वन ऑफ द थ्री मेथड्स एंड देन डेवलप योर कंटेंट. आपका सोर्स जो है उसको आप फाइनलाइज कर लीजिए, एंड उसके बाद आपका जैसे जैसे कंटेंट का बैंक बढ़ता जाएगा आपके दिमाग में, तो देन यूल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स. सो दैट इज वॉट यू मस्ट डू इन द एंड टू सक्सीड इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, दैट यू मस्ट आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स. एंड नेक्स्ट थिंग, प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एसेंशियल. अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू नीड टू रिकग्नाइज विद सिविल सर्विसेज एग्जाम इज कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये पेपर क्लियर कर रहे हो, तो एक तो सबसे पहले लेस देन 2% ऑफ ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, नॉट ऑल कैंडिडेट्स, लेस देन 2% ऑफ ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैव क्लियर इट इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट. तो एक तो ये वैसे ही थोड़ी टफ चीज है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना पहले फाइटर चीज है. उसमें से भी सिर्फ 2% ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं. अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो लेट्स से अगर जून में प्रीलिम्स था, तो आपने एक साल पहले से तैयारी शुरू करी है एटलीस्ट, राइट? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जून में प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स से 2 महीना पहले तैयारी शुरू करी और जी मतलब क्लियर कर दिया आपने. नहीं, आप एक साल एटलीस्ट पहले से तैयारी करोगे, तो 365 दिन तो यही हो गए. और फिर ये जून में जो पेपर हुआ है आपका प्रीलिम्स, इसका रिजल्ट आएगा उसके अगले साल के जून में, जून नेक्स्ट. सो दिस इज अगेन 365 डेज. तो टेक्निकली इवन इफ यू आर क्लियरिंग द पेपर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 700+ डेज, एंड टोटल एग्जाम जो आपका होगा वो 7 दिन होगा. 1 day फॉर प्रीलिम्स, 5 days फॉर मेंस, एंड 1 day फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू. सो 7 दिन के एग्जाम के लिए यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर 700 डेज, एंड इफ यू आर नॉट प्लानिंग देन इट्स नॉट हैपनिंग. अगर आपको लगता है कि आप बिना प्लानिंग के 700 दिन की तैयारी कर दोगे, तो बेस्ट ऑफ लक, एंड आई डोंट थिंक इट कैन बी डन, बिकॉज वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग इतना लंबे टाइम पीरियड पे, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना काफी जरूरी हो जाता है. एंड दैट इज वाई प्लानिंग इज योर नंबर 3 टू-डू लिस्ट पे, कि जब आपने एक बार रिसोर्सेज बना ली, और एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, तो जो रिसोर्सेज का हमने लिस्ट बनाया है, जो करंट अफेयर्स की हमने चीजें सेलेक्ट करी हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लानिंग. ये जो सारा प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्लानिंग, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर पाए किस तरीके से आपको करनी है, कैसे आपको आगे जाना है. बिकॉज इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑन योर ओन, यू नीड टू हैव अ प्लान. विच ब्रिंग्स अस टू आइटम नंबर 4, एग्जीक्यूट. कि आपके पास सपने हैं, मुझे IAS IPS बनना है, बट आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आपके पास अगले दिन भी सिर्फ सपने होंगे, क्योंकि आपने कोई एक्शन नहीं लिया. मुझे IAS IPS बनना है, उस पर अगर कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, सो यू डोंट नो वट टू डू नेक्स्ट. बट इफ विद योर ड्रीम्स यू हैव अ प्लान,
कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है तो उसके लिए मुझे पॉलिटी स्टडी करनी पड़ेगी, एंड इफ आई हैव टू स्टडी पॉलिटी देन आई शुड डू इट फ्रॉम एबीसी बुक, लेट्स से लक्ष्मीकांत। एंड लक्ष्मीकांत अगर मुझे करनी है तो आज के दिन मुझे पहले 5 चैप्टर या पहले 6 चैप्टर कवर करने हैं। सो देन यू नो क्या एक्शन आपको लेना है जो आपको आपकी ड्रीम तक लेके जाएगा, बिकॉज इन द एंड इट इज ओनली व्हेन ड्रीम्स आर फॉलोड बाय प्लान्स एंड एक्शंस दैट दे बिकम सक्सेसफुल। सो दिस इज व्हाट यू मस्ट कीप इन माइंड कि प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट प्लानिंग के बाद उन प्लान्स पे एग्जीक्यूट करना, उन पे एक्शन लेना इज दी ओनली वे टू बी सक्सेसफुल। सिर्फ सोचने से कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ प्लान बनाने से कि आईएएस आईपीएस बनना है इस तरीके से बन सकते हैं नहीं होने वाला है। इट विल बी इजियर देन जस्ट प्लान, बट ओनली व्हेन यू टेक एक्शन, ओनली व्हेन यू टेक एक्शन विल यू इवेंचुअली बी सक्सेसफुल। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम अपने आप अपने घर से। इसमें आपको कोई बाहर से कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, बट टेस्ट सीरीज में भी कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन प्रॉब्ली डू इज ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज फॉर प्रिलिम्स एंड वन फॉर मेंस आफ्टर प्रिलिम्स, या पहले जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जो है तैयारी आप सारी खुद से कर सकते हो। ऑप्शनल के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं या जीएस के लिए जितनी भी रिसोर्सेज हैं, दीज आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। ऑल दैट यू नीड टू डू इज डू अ गूगल सर्च विद द 3 मैजिक वर्ड्स। फ्री 3 मैजिक वर्ड्स आर फ्री यूपीएससी मटेरियल्स। तो इन मैजिक वर्ड्स के साथ जब आप किसी भी चीज़ को गूगल करते हो तो आपके ऑप्शनल की हो चाहे वो जीएस की हो, आपको जनरली सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी। सो इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू, नंबर वन क्रिएट अ रिसोर्स लिस्ट फॉर योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स, क्रिएट अ रिसोर्स लिस्ट फॉर करंट अफेयर्स की डिसाइड करो आपको कैसे करना है, देन प्लान योर टाइम, अदरवाइज इट्स नॉट हैपनिंग, एंड फाइनली टेक एक्शन ऑन दोज प्लान्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।